देखो हाईवे पे इतना चला रहे हैं ना, इस कभी इस तरफ कभी इस तरफ कभी इस तरफ, यार अगर आपको चलाना है तो एक तरफ ही हो जाओ, ये नहीं कि इस तरफ देखो कैसे चला। आप लोग देखो ना, अक्सर जितने भी पीछे रोड गुजर रहे थे हम लोग तुरपत से पेरा एक ग्वादर जीरो पॉइंट तक, कोई इतना गाड़ियाँ नहीं थी। अभी जब ग्वादर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सब शुभ वश बात नई वेडी के अंदर, नई व्लॉग के अंदर मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं और मिस्टर दाद बलोच के दाद जान और हम लोग अभी निकल चुके हैं एक सफ़र के लिए, एक लंबी राइड के लिए। मगर शुरुआत में मैं अभी बताना चाहता हूँ, क्योंकि फिर बाद में पता चलेगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इससे बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले से ही आप लोगों को बताता चलूँ। आज बेसिकली हम लोग जा रहे हैं ग्वादर, ग्वादर शरीफ। और बेसिकली ग्वादर में आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं हर वक्त क्यों जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, किस मकसद के लिए जाता हूँ। आप लोगों को एक वीडियो के अंदर पहले ही बताया, आज बेसिकली मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट था दाद बलोच, उसने मुझे इस प्रोजेक्ट में टीम के साथ पार्टिसिपेट करवाया। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर जा रहे हैं ग्वादर तो अपने बाइक पे चले जाएं, अपनी लेला पे चले जाएं। तो इससे बेस्ट टूर या कि बेस्ट ट्रिप किसी और का और जगह का नहीं होगा, तो इसलिए मैंने दाद को बोला कि चलो चलते हैं अपने लेला के ऊपर। अभी तकरीबन टाइम बज रहे हैं 7:28, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से सीधा ग्वादर के लिए। सबसे पहले सफ़र का दुआ पढ़ते हैं, सुबहानल्लज़ी सक्करलना। सफ़र का आगाज़ हो चुका है अभी, बस आप लोग भी हमारे लिए बहुत बहुत सारे नेक दुआएं कीजिएगा और मेरे चैनल को असम बलूच को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नू मामेशी फाइनली एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तुरपत से निकल चुके हैं। ये जो जगह है, ये जगह है डी बलूच। मेरे ख्याल से मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि डी बलूच एक FW वाले का टीम था, या पता नहीं एक फ़ौज के नाम से इन लोगों ने यहाँ पर काम किया। तो उन्हीं कंपनियों ने इस जगह का नाम डी बलूच रखा, तो इसलिए ये हर जगह या ये जगह हर कोई आता है यहाँ पर बोलता है कि डी बलूच। तो डी बलूच यही है एक टीम, अमेरिकन टीम या ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कौन सा टीम यहाँ पर आ चुका था, यहाँ पर इन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उन्हीं की वजह से इस जगह का नाम रख दिया, उन्होंने ही रख दिया डी बलूच। तो तभी से ये जगह या पूरे एरिया का नाम है डी बलूच। अभी डी बलूच के बाद आएगा फिर दयात दश्त का एरिया है, मतलब ये कि तुरबत एग्ज़िट करके दयात दश्त है, दयात से आगे फिर मेरे ख्याल से संगई आएगा, संगई से फिर आगे पता नहीं कितने इलाके हैं। ये जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ के पीछे भी माशाल्लाह से घर आबाद हैं, यानी कि आबाद नहीं बल्कि घर आबाद हैं। यहाँ पर पूरी फैमिली यहाँ पर इस पहाड़ के पीछे रहा है और रह रहे हैं भी। अभी बस चलते हैं और सफ़र को एंजॉय कीजिए।
हम लोगों ने अभी यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लिया था, छोटा सा स्टॉप लिया था। स्टॉप का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा रुके हम लोग, इसलिए रुके क्योंकि हमें प्यास लगी थी, तो हम लोगों ने एक पानी का बोतल बड़ा वाला लिया था, पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम लोग अभी वापस अपने सफ़र के लिए रवाना हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से एक घंटे का या डेढ़ घंटे का और सफ़र बाकी है, देखते हैं कितने घंटे के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे गवादर, क्योंकि हमें इतनी जल्दी नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से कभी स्पीड कभी स्लो, अभी देख सकते हैं कि 90 की स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं कि 85 की स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं। फाइनली आप लोग हमारे लिए बस और कुछ नहीं करें, और कुछ नहीं करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये दुआ करें कि हमारे ये सफ़र है, सफ़र बआसानी के साथ गुजर जाएं और हम लोग अपने मंजिल के लिए आसानी के साथ पहुंच जाएं। बस यही दुआ है मेरा आप लोगों के साथ। आप लोग ज़रूर 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 मेरे लिए दुआ कीजिए। हम लोगों ने फाइनली अपने ग्वादर में एंटर कर लिया समझो। मैंने आप लोगों को पिछले 2-3 वीडियो में भी यही बताया कि जब हम लोग तलार पहुंच जाएंगे, तलार के बाद पैराडाइज से ग्वादर शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये जितने भी एरियाज़ हैं ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं ग्वादर है, तलार है, तलार के ये पूरा एरिया तलार है। तलार के बाद आएगा फिर कोलांच, कोलांच के बाद फिर आ जाएगा मेरे ख्याल से ग्वादर ज़ीरो पॉइंट, ग्वादर ज़ीरो पॉइंट के बाद फिर आ जाएगा सुर, सुर के बाद आ जाएगा फिर ग्वादर शरीफ या कि गंजी ग्वादर। अभी बस हम लोगों ने एंट्री मार दिए ग्वादर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट शुरू हो चुका है ग्वादर का। अभी ग्वादर खुद नहीं आया है, खुद ग्वादर में नहीं पहुँचे हैं, सिर्फ अभी बस डिस्ट्रिक्ट के हदूद में हम लोगों ने एंटर कर लिए। अभी बस आप लोग और दुआ कीजिए हमारे लिए कि जितने भी ये पीछे सफ़र गुजरा है इसी तरह आगे वाला भी इस तरीके से गुजर जाएं, और आप लोगों की दुआओं की अशद हमें ज़रूरत है। और माशाल्लाह से मैं यहाँ पर अभी गुज़र रहा हूँ ना, मुझे इस बगल में माशाल्लाह से बारिश का पानी बहुत बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब पसनी से वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने शाम के वक्त बारिश पकड़ ली थी, तकरीबन दश्त के अंदर, दश्त में जब हम लोगों ने एंट्री मार दी तो बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर अभी यहाँ पर इतना बारिश का पानी है ना, पूरा का पूरा जगह पे ज़्यादातर पानी ही पानी जमा हुआ है। और अभी बस चलते हैं ग्वादर की तरफ, ग्वादर में देखते हैं क्या होगा और क्या नहीं होगा। आप लोग बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी इस बच्चे से अगर पूछा जाए ना तो ये बच्चा नहीं बताइए कि मुझे बाइक किसने दिए। इस उम्र में यार बाइक कौन चलाता है, और अभी हाईवे पे देखो, हाईवे पे इतना चला रहे हैं ना, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। यार अगर आपको चलाना है तो एक तरफ ही हो जाओ, यानी कि इस तरफ देखो कैसे चला रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है कि ये बच्चा कैसे बाइक चला रहा है। हमारे इधर कोई पूछने वाला भी नहीं है कि बच्चे को बाइक नहीं दिए जाएँ, कोई नहीं पूछेगा। मैं तो गवर्नमेंट से हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएँ,
हमारा गवर्नमेंट ये सुनता ही नहीं है हमारा बात। गवर्नमेंट अगर जब लाइसेंस के ऊपर आ जाए ना, तो हर किसी के बंदे के पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस एक बार उनके पास बन जाए ना, और तभी ये लोग सुधर जाएंगे, वरना ऐसे नहीं सुधर जाएंगे। मेरा तो रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से, अगर किसी भी बंदे के पास लाइसेंस नहीं है तो उनको जुर्माना कीजिए। जितना हो सकता है तकरीबन एक बंदे के ऊपर 500 ना बल्कि 1000 रुपये जुर्माना करो। हर कोई बंदा लाइसेंस बनाने के लिए आपके पास ज़रूर आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह। हम लोगों ने अभी फाइनली ग्वादर जीरो पॉइंट से एंटर कर लिए। ग्वादर जीरो पॉइंट से तकरीबन मेरे ख्याल से अभी ग्वादर आधे घंटे का रास्ता है कि 45 मिनट का रास्ता है जीरो पॉइंट से लेकर ग्वादर तक। ये तकरीबन मेरे ख्याल से लगभग यही कोई 45 मिनट ही लगेगा या 40 मिनट लगेगा, इसी दरमियान लगेगा ग्वादर जीरो पॉइंट से लेकर ग्वादर तक इंशाल्लाह ताला। अगर हम लोग आराम से चले जाएं तो एक घंटा लगेगा या फिर एक घंटे से ज़्यादा लगेगा। सबसे मुश्किल तरीन रोड यही है जो कि ट्रैफिक यही पर है। अक्सरियत आप लोग देखो ना, अक्सर जितने भी पेशे रोड गुजर रहे थे हम लोग तुरप से पेरा एक ग्वादर जीरो पॉइंट तक, कोई इतना गाड़ियां नहीं थी। अभी जब ग्वादर जीरो पॉइंट से ग्वादर तक जा रहे हैं ना, हर 5 मिनट के बाद एक गाड़ी क्रॉस कर रहा है, हर 1-2 मिनट के बाद एक गाड़ी क्रॉस कर रहा है हमें यहाँ से। पहले हम लोग अपने मूड से जा रहे थे, अपने हिसाब से जा रहे थे। अभी मैं अगर 100 या फिर इससे ज़्यादा स्पीड लगाऊँ तो आगे ट्रक जा रहा है, फिर स्लो करना पड़ेगा, फिर उसको क्रॉस करो, फिर स्लो करो, फिर उसको क्रॉस करो। ऐसे ही समझो हमारा जो ये लेला का लेवल है, स्पीड लेवल है उसका, वो सही तरीके से नहीं चलेगा। मतलब ये है कि पेट्रोल खाएगी तो ज़्यादा खाएगी, यानी कि कम खाएगी बल्कि पेट्रोल थोड़ा सा ज़्यादा खाएगी। अभी देखो ये ट्रक जा रहा है, ट्रक जाने के बाद पहले आपको ये अपना बाइक सोलो करना पड़ेगा, देखें आगे जा रहा है कोई गाड़ी है नहीं है, फिर क्रॉस करना पड़ेगा। पहले पीछे तो देखें कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, फिर आप लोग आगे देखें कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही। अगर पीछे से आ रही है तो पीछे ही रुक जाएं, अगर सामने से आ रहे हैं ना तो पीछे रुक जाएं। तो दोनों का मतलब एक ही, अगर आप सामने से आ रहे हैं या पीछे से आ रहे हैं ना, आपको एक साइड पे होना पड़ेगा।
यहाँ।